हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेकअप बेस कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेकअप बेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और उनको लगाने का सही ऑर्डर क्या है, सही तरीका क्या है। तो अभी मैंने सिर्फ अपना फेस वॉश किया है और मेरे फेस पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो मेरी स्किन जनरली समर्स में बहुत ऑयली रहती है, लेकिन जैसे जैसे विंटर्स आते हैं तो ये वाला एरिया थोड़ा थोड़ा ड्राई लगने लगता है, यानी कि मेरी कॉम्बिनेशन से लेके नॉर्मल टाइप की स्किन हो जाती है विंटर्स में। तो अगर आपकी मेरी तरह स्किन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। साथ ही मैं बहुत ऑयली और बहुत ड्राई स्किन वालों के लिए भी बताऊंगी कि आप अपना परफेक्ट मेकअप बेस कैसे लगाएं। तो मेरा प्रोडक्ट नंबर वन हुआ एक मॉइस्चराइजर या सीरम अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप। तो इस तरीके से पूरे फेस पे आपको ये मसाज कर लेना है, हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशंस में। इसे आपको अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया पे अप्लाई करना है। तो पता नहीं मुझे कैमरा कैच कर रहा है या नहीं, लेकिन इंस्टेंटली सीरम मॉइस्चराइजर लगाते ही स्किन बहुत ग्लोइंग दिखने लगती है, बहुत प्लम्प दिखने लगती है और कोई भी ड्राई पैचेस हो या नाक के आसपास स्किन फ्लेकी दिखती हो, वो सारी प्रॉब्लम्स तुरंत ठीक हो जाती है। तो बेस मेकअप में अगर कोई प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है मेरे इस लिस्ट का प्रोडक्ट नंबर टू, जो कि है एक फेस प्राइमर। तो अगर हम ब्यूटी एक्सपर्ट्स को देखें तो एक्चुअली में जो फेस प्राइमर है उसे ही वो हमारा बेस मेकअप कहते हैं। तो अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस हैं या गड्ढे काफ़ी दिखते हैं और फाउंडेशन बहुत इवनली आपके स्किन पे नहीं जाता है, तो आप इस तरीके का प्राइमर इस्तेमाल करें, जैसे कि ये ब्लू हेवन का परफेक्ट मेकअप बेस प्राइमर है। तो प्राइमर आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी लेना होता है, यानी कि इतना आपके लिए सफिशिएंट है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि फाउंडेशन सबसे पहले आपके स्किन से फेड होने लगता है, यानी कि ये सेंट्रल वाले पोर्शन पे, वहाँ पे आपको अपने प्राइमर एप्लीकेशन को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हमारा प्रोडक्ट नंबर थ्री बेस मेकअप में हुआ फाउंडेशन। तो मैं इसे इस तरीके से डॉट्स की फॉर्म में अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया पे अप्लाई कर लूंगी। तो आपको नीचे की तरफ एंड बाहर की तरफ अपने ब्रश को मूव करना है, यानी कि आपके फेस पे हेयर जिस डायरेक्शन में ग्रो करता है, आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने की भी डायरेक्शन वही होनी चाहिए। एंड सेम इसी तरीके से अपने नेक पे भी आपको फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है। बेस मेकअप में प्रोडक्ट नंबर फोर आता है कंसीलर। अब कंसीलर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके अंडर आई में डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल, एक्ने के मार्क्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन या सन टैनिंग की वजह से स्किन अनइवन लगने लगती है। तो कंसीलर्स के लिए मेरा फेवरेट पहले तो लिक्विड कंसीलर है, क्योंकि अगर आपको मेकअप बहुत ज़्यादा भी नहीं आता तभी आप बड़े आराम से इसको अप्लाई और ब्लेंड कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर इस्तेमाल करूंगी। एंड मेनली मेरे अंडर आई एरिया में मुझे लगता है थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं, तो आपको इस तरीके से हल्की सी एक वी शेप में अपने कंसीलर को अप्लाई करना है। आप जब ब्लेंड कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ा अपने आईलिड के ऊपर भी एक्सटेंड कर दें, ताकि आईलिड में जो डार्कनेस दिखती है वो भी कैंसिल हो जाए। अब काफी लोगों को क्या होता है, जो माउथ के अराउंड वाला एरिया होता है वहां पे आपको हल्का सा कालापन दिखता है, तो उसके लिए आप अपना ये कंसीलर लें एंड माउथ के अराउंड इस तरीके से अप्लाई करें। स्पेशली जब आपने ब्राइट कोई लिपस्टिक पहनी है तो ये करना बेहद जरूरी है, ताकि माउथ वाला एरिया आपका अच्छा दिखे। एंड देन सेम इसी ब्रश से आप उसे हल्के हल्के ब्लेंड कर लें। अब देखिए मेरा फेस ऑलमोस्ट फ्लॉलेस दिखने लगा है,
लेकिन अगर मुझे इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है या अगर मेरी स्किन बहुत ऑयली है और मेकअप बहुत देर तक टिकता नहीं है, तो बेस मेकअप में लास्ट स्टेप आता है पाउडर। अब पाउडर या तो कॉम्पैक्ट पाउडर हो सकता है या इस तरीके का लूज पाउडर हो सकता है। ये है लैक्मे का 925 नेचुरल फिनिशिंग पाउडर। अपने इस ब्रश में मैं थोड़ा सा अपना लूज पाउडर लूंगी, कुछ भी एक्सेस होगा उसे मैं इसमें टैप कर दूंगी। एंड मैं अपनी अंडर आईज एंड नोज वाला एरिया सेट करूंगी, वरना मुझे लगने लगता है कि वहां पे हल्का हल्का ऑयल आ गया है 2 से 3 घंटे बाद। तो देखिए इस तरीके से आपका जो पूरा फेस का मेकअप है वो सेट हो जाएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है और नाक के आसपास बहुत ऐसे केकी केकी दिखता है, ये स्टेप आप ना करें। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन बहुत जल्दी फेड हो जाता है, तो ये स्टेप करना आपके बेस मेकअप में बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अंडर आईज में कंसीलर को सेट करने के लिए लूज पाउडर बहुत अच्छा रहता है। तो ये थे 5 स्टेप्स बेस मेकअप में। अब मैं सिर्फ एक आईलाइनर लगाऊंगी एंड एक लिपस्टिक लगाऊंगी, एंड आप देखेंगे मुझे बहुत ज्यादा और किसी मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। परफेक्ट मेकअप बेस की वजह से कोई भी कलर का आप आई शैडो लगाएं, किसी भी कलर की आप लिपस्टिक लगाएं, चाहे आपका बहुत फेयर या बहुत डीप स्किन टोन हो, वो आप पे बेहद अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मेकअप बेस के ऊपर, मेकअप बेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, किसे कब और क्यों लगाते हैं, आज की वीडियो में हमने ये जाना। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पर आ रहे गोल आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।